हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आयुष पारिक, वेलकम है आप सभी का। तो आज आपका डीसीएम का मेजर था, थर्ड नंबर का। उम्मीद है बहुत अच्छा पेपर गया होगा आप सभी का। तो डीसीएम के मेजर की कड़ी में जो जूलॉजी वाला जो पोर्शन है उनके क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। आपका बहुत बढ़िया पेपर गया ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 से है। देखिए इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। जो सेक्शन ए है इसके अंदर 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं आपको अटेम्प्ट करना, और 4 मार्क्स आपको मिलते हैं और -1 हो जाता है इनकरेक्ट के लिए। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई भी 10 आपको करने हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि हेमिकॉर्डेट्स के अंदर एक्सक्रीशन किससे होता है। तो ये सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहीं सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो एक्सक्रीशन होता है हेमिकॉर्डेट्स में, वो उनके प्रोबोसिस पार्ट पर जो ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं, उसके द्वारा होता है। इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्सक्रीशन इन हेमिकॉर्डेट्स इज कैरिड आउट बाय प्रोबोसिस ग्लैंड। तो आंसर कौन सा हो गया 101 में, सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या पूछा है, ये आपको एक यहां पर चार्ट दे रखा है, इसको आपको क्या करना था, फिल करना था। तो देखिए स्टूडेंट, नंबर ए जो है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स को, अगर मैं पूरे बात करूं कॉर्डेटा की, तो कॉर्डेटा को हम लोगों ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, क्रेनियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। अगर क्रेनियम नहीं था तो उसे हमने कह दिया ए क्रेनिएटा, अगर क्रेनियम था तो हमने उसे कह दिया क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा के अंदर हमारी दो सब फाइलम आए, यूरो कॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा, और क्रेनिएटा में हमारा जो सब फाइलम आया वो आया वर्टिब्रेटा। ये वर्टिब्रेटा का डिवीजन है। तो देखिए नंबर ए पर वर्टिब्रेट्स को हम लोगों ने किसके बेसिस पर, जॉ इन माउथ, कि माउथ में जॉ मिलेंगे, जॉ का मतलब जबड़े मिलेंगे या जबड़े नहीं मिलेंगे। तो जबड़ों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, यानी जॉ की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर, हम लोगों ने वर्टिब्रेट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। तो ये ए नंबर वाला जो ग्रुप है हमारा, वो कौन सा है, इग्नेथा। ठीक है, यानी कि इनमें क्या नहीं थे, जो जबड़े थे वो इनके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरा कौन सा आ गया, गैंथोस्टोमेटा, जिनमें आपको क्या मिलेंगे, जो जौ है यानी कि जो जबड़े हैं वो क्या होंगे, मिलेंगे। तो ए पर आ जाएगा हमारा इग्नेथा। उसके बाद इसमें एक ही हमारा वर्ग या एक ही क्लास आई, साइक्लोस्टोमेटा, जो दूसरी वाली है वो क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है और एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखी, तो हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। आगे आ जाओ, ग्नेथोस्टोमेटा में वापस हमने इसे पहले दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया, तो सुपर क्लासेस पीसेस, और सुपर क्लास जो बी वाला हमारा है, तो देखिए बी पर क्या है? आ सकता है स्टूडेंट्स, अगर बी पर हमें बात करें तो बी पर आएगा हमारा क्या, टेट्रा पोडा। ठीक है, चतुष्कपादी है। पीसेस को फिर से हमने दो क्लासेस में डिवाइडेड किया, तो सी पर आ जाएगा हमारा, कॉन्ट्रैक्ट थीस दे रखा है, तो क्या बचा, कॉन्ट्रैक्ट क्या आ गया, ऑस्टिक थीस। और बी जो है, यानी कि जो टेट्रापोडा है, इन्हें हमने चार क्लासेस में डिवाइड किया, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स और मेमिलिया। तो डी पर कौन आ जाएगा, रेप्टीलिया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, ए पर इसने कह दिया प्रोटोकॉर्डेट, ए पर तो प्रोटोकॉर्डेट है नहीं, ये तो यू कॉर्डेट है, वर्टिब्रेट किसका मेंबर है, यू कॉर्डेट का, तो गलत हो गया। तो पहला तो आंसर कभी भी किसी भी सूरत में नहीं होगा। आगे चलते हैं, ए पर इग्नेथा, बिल्कुल सही बात है। सी पर यूरो कॉर्डेटा दे दिया, यूरो कॉर्डेटा का तो मतलब ही नहीं, यूरो कॉर्डेटा तो एक खुद सब फाइलम है, एक उपसंग है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। ए पर इग्नेथा दे दिया, सही है। सी पर ऑस्टिक थीस दे दिया, सही बात है। डी पर रेप्टिलिया दे दिया, सही बात है। तो सही आंसर हमें यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में ही हमें मिल जाता है। यहाँ पर बी पर ऑस्ट्राकोडर्मी दिया है, पर बी पर ऑस्ट्राकोडर्मी किसी भी सूरत में नहीं आ सकता, क्योंकि बी पर तो कौन आएगा, सुपर क्लास टेट्रापोडा। इसलिए सही आंसर इसका कौन सा हो गया, आंसर नंबर थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ब्लड के रिगार्डिंग पूछा है कि ब्लड कैसा टिश्यू है। तो हम सब जानते हैं कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है,
ब्लड, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, और उस लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में क्या चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर तो आ गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू वाला ऑप्शन, विच हैज वाई विदाउट फाइबर्स, यानी कि रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसका डैश यानी वाई बिना तंतु के है। तो हमें पता है कि तंतु किस में उपस्थित होते हैं, तंतु होते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है, और उसी मैट्रिक्स को हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोल सकते हैं, हम उसे आधारीय पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग उसे, आधारीय पदार्थ। तो रक्त एक स्पेशल प्रकार का ऊतक है जिसके अंदर क्या नहीं मिलेंगे आपको मैट्रिक्स में, क्या नहीं मिलते, फाइबर्स नहीं मिलते, मतलब कि उसका जो आधारीय पदार्थ है वो कैसा होता है, तंतु विहीन होता है। इसलिए एक्स पर तो आ जाएगा कनेक्टिव यानी कि संयोजी, और वाई पर आ जाएगा ग्राउंड सब्सटेंस, जिसे हम लोग कह सकते हैं आधारीय पदार्थ, या फिर क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर हो गया इसमें थर्ड नंबर। ये भी इसमें भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि फीमेल कॉकरोच कितने अंडे देती है, तो औसतन 126 से 160 अंडे एवरेज के हिसाब से हम लोग अगर आंसर लगाए तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन को, हो सकता है आप लोगों को लगे कि ये सर ये कहां दे रखा है, अगर जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट 12th क्लास का जो एनसीईआरटी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसमें फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर है वहां पर साफ तौर पर एनसीईआरटी डिस्कस करती है कि जो प्राइमेट्स हैं, ठीक है, जो यूथेरियंस है, यानी कि जो यूथेरियंस है, यूथेरियन मैमल्स, यूथेरियन मैमल्स कौन से वाले हो गए, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है, तो इनको हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, यूथेरियन मैमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्राइमेटा और नॉन प्राइमेटा। नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स, ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जो नॉन प्राइमेट्स हैं एक कौन हो गए, प्राइमेट्स, जो नॉन प्राइमेट्स हैं जिनमें जैसे कि काऊ बफेलो ये सब, इनकी जो फीमेल्स है इनमें इनकी जो फीमेल होगी, इनकी फीमेल्स में आपको मिलेगी ईस्ट्रस साइकिल, और जो प्राइमेट्स हैं प्राइमेट्स में कौन आ जाते हैं, देखिए प्राइमेट्स में आ जाते हैं मंकी एप्स और ह्यूमंस, इनमें आपको मिलेगी मेनुस्ट्रल साइकिल। देखिए ईस्ट्रस साइकिल और मेनुस्ट्रल साइकिल दोनों की दोनों रिप्रोडक्टिव साइकिल है, दोनों में लगभग सभी चीजें समान है, जो बेसिक डिफरेंस है वो एक ही चीज का है कि ईस्ट्रस साइकिल में क्या नहीं होता, ईस्ट्रस साइकिल में जो ब्लीडिंग है यानी कि जो रज स्त्राव है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, और वहीं मेनुस्ट्रल साइकिल में ये क्या होगा, उपस्थित होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, ईस्ट्रस साइकिल अकरिंग इन द फीमेल्स ऑफ नॉन प्राइमेट मैमल डज नॉट इन्वॉल्व गैर प्राइमेट स्तनियों की मादाओं में पाए जाने वाले मध चक्र में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए एंडोमेट्रियम का मोटा होना, एंडोमेट्रियम स्तर का स्थूलन, बिल्कुल सही बात है, दोनों में होगा, अंडोत्सर्जन ऑब्वियसली दोनों में होगा, ओव्यूलेशन होगा, पर मैंने आपको बताया रज स्त्राव यानी कि मेनुस्ट्रेशन जो है वो केवल किस में उपस्थित होगा, मेनुस्ट्रल साइकिल में होगा यानी ईस्ट्रस साइकिल में नहीं होगा। इसी वजह से इसका आंसर कौन सा चला गया बच्चों, जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल डज नॉट इन्वॉल्व गर्भ निरोधन की प्राकृतिक विधियां किसको सम्मिलित नहीं करती, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए पीरियोडिक एब्सटिनेंस, पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब हो गया कि जो रिस्की पीरियड है,
रिस्की पीरियड का मतलब प्री ओविड प्री फर्टिलाइजेशन जो है पार्ट, या फिर मैं कहूँ कि जो हमारा प्री ओविलेटरी जो है उसके मिड से पोस्ट ओविलेटरी के मिड तक का जो पार्ट होता है वो हमारा कौन सा पीरियड मानते हैं हम लोग, रिस्की पीरियड मानते हैं। रिस्की पीरियड में ओविलेशन की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए उस समय जो कॉपुलेशन है या जो मैथुन की क्रिया है उसे अवॉइड करके बर्थ कंट्रोल का एक मेथड डिज़ाइन किया गया है जो कि कैसा है, नेचुरल है। तो बिल्कुल नेचुरल है। कॉइटस इंटरप्टस ये भी नेचुरल मेथड है। लैक्टेशन एमिनोरिया मतलब जो 6 मंथ है गेस्टेशन के बाद में, या जो प्रसव के बाद के जो 6 महीने हैं उस दौरान प्रोलैक्टिन का स्राव लेवल बॉडी में इतना ज़्यादा हाई होता है कि जो मेनस्ट्रुअल साइकिल है वो आती नहीं है। तो इसी वजह से इस दौरान भी क्या नहीं देखने को मिलेगा हमें, ओव्यूलेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ऊपर वाले तीनों कौन से हैं, नेचुरल। पर आपको पता है लिपेस लूप, लिपेस लूप एक आईयूडी का एग्जाम्पल है, और ये कैसा हो गया, ये नेचुरल नहीं है, ये कैसा है, आर्टिफिशियल है। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा 106 में, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। देखिए कुफर कोशिकाएं, हम सभी जानते हैं कि जो लीवर साइनोसॉइड होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम यकृत रक्त स्थान भी कहते हैं, उनमें उपस्थित होती है। बीटा सेल की बात करें तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं पेनक्रियाज के, उनमें उपस्थित होती हैं। पेप्टिक कोशिकाएं आमाशय में या स्टोमक में मिलती हैं, और पेयर पैचेस छोटी आंत्र का कैरेक्टर है, यानी ए का तो हो गया हमारा सेकंड, बी का हो गया हमारा फर्स्ट, सी का हो गया हमारा फोर्थ, और डी का हो गया हमारा थर्ड। तो सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें सही आंसर मिल गया। सेकंड थर्ड बोल दिया गलत हो गया, थर्ड से स्टार्ट हो रहा है गलत हो गया, फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है गलत हो गया, तो सही आंसर क्या हो गया, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। तो सही आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईसीजी अगर हमें रिकॉर्ड करनी है, कौन सी वाली, स्टैंडर्ड ईसीजी हमें रिकॉर्ड करनी है, तो देखिए ये मशीन है इस तरीके की, ये ईसीजी की मशीन होती है। इस पर मान लेते हैं कि ईसीजी आ रही है, ठीक है, ये ईसीजी है, ये कोई व्यक्ति है, ऑब्वियसली पेशेंट है तो दुखी है बेचारा। हमें इसकी ईसीजी रिकॉर्ड करनी है, तो ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए यहां से कितनी लीड निकलेंगी, क्या होंगी, तीन इलेक्ट्रोड्स या तीन लीड जिसे हम कहते हैं, या फिर इन पे ऑब्वियसली धातु लगा होता है, इलेक्ट्रोड कहा कहा जा सकता है इनको। तीन इलेक्ट्रोड्स निकलेंगी, देखिए एक तो लग जाएगी इसके एक कलाई पर, दूसरी लग जाएगी इसके दूसरी कलाई पर, और एक लीड लग जाएगी इसकी लेफ्ट एंकल पर। यानी कि एक एक लीड तो कहाँ लग गई, प्रत्येक कलाई पर, और एक कहाँ पर लग गई, बाएं टखने पर। इसी वजह से आंसर यहां पर कौन सा चला गया, फर्स्ट ऑप्शन। प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपने पढ़ाई की होगी तो आपको पता है ईसीजी के अंदर इसे दे रखा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये टखने पे बोल रहा है, पहले एक एक रिस्ट पे बता रहा है, चेस्ट पे बता दिया, इसलिए गलत हो गया। तो सही आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। रीनल मेडुला में कोन शेप्ड की जो स्ट्रक्चर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स भी कहते हैं, या फिर हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम लोग बोल सकते हैं, इनमें से अगर हमें आंसर लगाना हो तो क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं वृक्कीय पिरामिड या फिर रीनल पिरामिड। इसलिए 109 में सही आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, पोन्स, पोन्स के बाद में मेड्यूला, मिड ब्रेन, ये तीनों के तीनों एक ही एक्सिस में है, इसलिए इनको सम्मिलित रूप से, या इनको हम लोग साथ में किस नाम से जानते हैं, हम लोग इन्हें ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन पर है ये, तो उम्मीद है कि ये भी शायद किसी का गलत नहीं हुआ होगा, समझने जैसा भी इसमें कुछ खास है नहीं, एक ही एक्सिस पर है, तो क्या बोल दिया हम लोगों ने इसे, ब्रेन स्टेम। ऑप्शंस में ब्रेन स्टेम शब्द सुनने दिखने को मिला, तो आगे पढ़ने की इसको फिर हमें जरूरत ही नहीं है। आंसर कौन सा हो गया इसका, ब्रेन स्टेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं।
मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग थोड़े ज्यादा मैंने इसलिए दिए ताकि हम बहुत सारी चीजों को एक ही पेपर में हम लोग इसे एक्यूमुलेट कर सके। तो देखिए टाइडल वॉल्यूम की मैं बात करूं तो सब लोग जानते हैं टाइडल वॉल्यूम हो जाता है 500 ml। तो ए पर हो गया हमारा थर्ड टाइडल वॉल्यूम यानी कि ज्वारीय आयतन। आईआरवी की बात करूं यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। तो आईआरवी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी बच्चों, आप देखिए 2500 से 3000 यानी कि फर्स्ट। ईआरवी कितनी होती है, 1000 से 1100 यानी कि सेकंड। एफआरसी क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एफआरसी होता है ईआरवी प्लस आरवी। तो ईआरवी कितना है 1000 से कितना है 1100 प्लस आरवी कितना है 1100 से 1200। टोटल करूंगा तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्स 100% कितना आ जाएगा अगर इनको करूं तो 2200 से कितना आ जाएगा 2300। तो एफआरसी का मतलब हो गया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो एफआरसी की वैल्यू यहां पर देखिए ये रही फिफ्थ नंबर पर दे रखी है तो फिफ्थ पे लिख देंगे। और वाइटल कैपेसिटी किसका टोटल होता है, वाइटल कैपेसिटी या उसे हम जैविक क्षमता कहते हैं। जैविक क्षमता क्या होता है कि देखो किसी ने अगर क्या किया बलपूर्वक अंतः श्वसन किया यानी कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो अब वो टोटल कितनी एयर को वापस बाहर निकाल सकता है। तो एक तो आईआरवी को निकाल सकता है, एक टीवी को निकाल सकता है, एक ईआरवी को निकाल सकता है। या इसको इस तरीके से देख लीजिए, किसी इंसान ने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया है, बलपूर्वक निश्वसन किया है, अब वो कौन कौन सी वायु की मात्रा है जिसे वो वापस अंतः श्वसित कर सकता है। तो एक तो ईआरवी को कर सकता है, एक किसको कर सकता है टीवी को कर सकता है, और एक किसको कर सकता है आईआरवी को कर सकता है। तो इन तीनों का जो टोटल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी या जैविक क्षमता। तो वाइटल कैपेसिटी अगर आप करोगे कैलकुलेट तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ जाता है यानी 31254। 31 गलत हो गया, 31254 सेकेंड ऑप्शन पे ही हमें सही आंसर मिल गया 31254। 2 से स्टार्ट हो रहा है गलत हो गया, 1 से स्टार्ट हो रहा है गलत हो गया। तो सही आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग की बात करें फिर से तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS जिसे हम लोग कहते हैं, CNS जो होता है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर, उसमें ब्रेन होता है और कौन मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो मोस्ट डेवलप पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन थोड़ी है CNS, CNS ब्रेन खुद CNS का पार्ट है, इसीलिए इसमें फर्स्ट में अगर हम आंसर लगाएं तो क्या हो जाएगा, डी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर PNS जिसे हम लोग कहते हैं, तो PNS में आपको क्या मिलेंगी, क्रेनियल नर्व्स मिलेंगी और कौन मिलेंगी, स्पाइनल नर्व्स। तो PNS में हो जाएगा हमारा सी। मिडिल ईयर जो मध्य कर्ण है ये क्या करता है, साउंड को इंटरनल ईयर की तरफ क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। कहां ट्रांसमिट करता है, इंटरनल ईयर की तरफ। तो क्या हो जाएगा, बी। और सेरेब्रम जो है वो हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा डेवलप पार्ट है ही, तो इसमें हो जाएगा ए यानी डी सी बी ए। तो डी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, डी सी बी ए। तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी सी ए बी बता रहा है, ये गलत हो गया, थर्ड में ए बता रहा है जो कि गलत हो गया। फिर से मैच द फॉलोइंग, तो सिंपल कॉल्यूमनार एपिथीलियम या सरल स्तंभाकार उपकला जो है अगर आप इसमें से आप करेंगे तो किसमें मिलेगी आपको, आमाशय और जो आंतें होती हैं उनका आंतरिक स्तर यानी इंटेस्टाइन और स्टोमक की इनर लेयर कौन बनाएगी, कॉल्यूमनार एपिथीलियम। तो ए पर आ जाएगा हमारा कौन सा, थर्ड। कार्डिक मसल ऑब्वियसली जो हृदय भित्ति है यानी कि जो वॉल ऑफ हार्ट है उसमें प्रेजेंट होती है। एडिपोज टिश्यू जो है यानी कि वसीय ऊतक स्तर जो है वो आप देखिए कहाँ पर होता है, स्किन के नीचे जो लेयर होती है वो वसीय ऊतक की होती है और खास तौर पर एब्डोमेन पे, या सरल शब्दों में कहूँ जो पेट आ जाता है वहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाता है, फैट की लेयर इकट्ठी हो जाती है स्किन के नीचे। इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन। और हाइलिन कार्टिलेज की बात करें स्टूडेंट्स तो काचाब उपास्थि, आपको पता है कि जो बोन्स जो होती हैं उनका जो जंक्शन होता है वहां पर भी उपस्थित होती है, इसी क्लिक को हम लोग रेटिकुलर कार्टिलेज के तौर पर भी नाम से भी जानते हैं। तो डी पर आ जाएगा हमारा सेकेंड।
3142 फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल गया, 3142। ये बाकी के गलत हो जाते हैं, तो सही आंसर हो गया इसमें फर्स्ट ऑप्शन 3154 हो गया, 54 तो बैठ ही नहीं रहा, तो 3142 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, फिर से मैच द फॉलोइंग, तो आप देखिए बैक टू बैक बहुत सारे मैच द फॉलोइंग क्या करते हैं अपने आप में, हमें बहुत सारी चीजों को याद रखने में मतलब रिवीजन में मदद करते हैं। और अभी ये जो हमारा पेपर चल रहे हैं इनका मेन एम क्या है, रिवीजन हमारा इनका मेन एम है कि हम टॉपिक को पूरी तरीके से क्या कर पाएं, रिवाइज कर पाएं। ठीक है, तो देखिए बेसोफिल्स की बात कर रहा है, ये ब्लड की सेल्स हमें दे रखी है, कॉर्पस्कल्स हमें दे रखी है। तो जो बेसोफिल्स है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो ये हिस्टामिन का, सेरोटोनिन का और हेपेरिन का सीक्रेशन करेगी। एक तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है आप लोगों को कि कभी भी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस में आप लोग लाइनें मत मिलाया कीजिए। आप लोग लाइनें तो मिला लेते हैं, आप उसके सामने नंबर लिखिए, ये टाइम बचेगा आपका, क्योंकि लाइनें मिलाने के बाद आपको दोबारा नंबर चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेसोफिल्स के सामने देखिए आप क्या है, ये हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपेरिन का सीक्रेशन करेगी, तो ए पर आ जाएगा हमारा क्या नंबर, सेकंड। न्यूट्रोफिल जो है आपको पता है कि इसका काम क्या होगा, भक्षण क्रिया होगी, फेगोसाइटोसिस होगा, तो बी पर आ जाएगा हमारा वन। मोनोसाइट भी ब्लड की कौन सी सेल है, फेगोसाइटोसिस या फिर भक्षणकारी कोशिकाएं हैं, तो इसमें भी कौन सा आ जाएगा हमारा नंबर वन। इओसिनोफिल किससे रिलेटेड है, एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड है, एलर्जी से रिलेटेड है, तो एलर्जी से रिलेटेड है, तो कौन सा आ जाएगा थर्ड। तो सही आंसर हो गया 2113। और लिम्फोसाइट्स किससे रिलेटेड है, फोर से, तो 21134। तो टू से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इससे आसान क्वेश्चन तो शायद कोई हो ही नहीं सकता। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपको क्या करना था स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर क्या छांटना है, नॉन मैचिंग पेयर छांटना है, यानी कि किसकी चयन करना है, गलत वाले का चयन करना है, गलत मिलान के युग्म की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो ह्यूमरस और अल्ना, कौन, ह्यूमरस तथा अल्ना। ह्यूमरस तथा अल्ना आप लोग जानते हैं उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। कंकाल दो प्रकार का है, जो अक्ष पे है वो अक्षीय कंकाल और जो साइड में है वो उपांगीय कंकाल। तो ये पहला वाला तो सही है, ठीक है, आगे आ जाओ। मेलियस और स्टेपीज कौन है, कर्ण अस्थियां हैं यानी ईरोसिकल्स हैं, सही बात है। स्टर्नम और रिब्स अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, सही बात है। क्लेविकल और ग्लिनोइड कैविटी को यहां पर लिख दिया पेल्विक ग्रिडल, कौन सी मेखला, श्रोणी मेखला, नहीं ये किसका है, ये तो क्या थी, ये तो किसकी है, पेक्टोरल ग्रिडल की है, इसीलिए आंसर इसमें बच्चों हम कौन सा छाटेंगे, हमें गलत पूछा है तो गलत कौन सा दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को हम लोग साथ में क्या बोल सकते हैं, तो मेल्फीजियन बॉडी जो है वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चला जाएगा, ठीक है। और ये कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल तो किसकी बात होगी, जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है वो हो जाएगी। रीनल पेल्विस एक अलग ही स्ट्रक्चर होती है जहां से यूरेटर निकलता है, तो साफ तौर पर एनसीईआरटी की लाइन है, तो सीधा आंसर इसका कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। स्मॉल एरिया रेटिना के जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट टू प्यूपल, यानी कि रेटिना है आपका, ठीक है, ये प्यूपिल है यहां और ये लेंस हो गया, ठीक है, ये कौन है बच्चों, लेंस। तो ये प्यूपिल है जहां से प्रकाश की किरण अंदर आ रही है, तो इसके पीछे, इसके पीछे ये कौन है, प्यूपिल, और ये कौन है, रेटिना। तो प्यूपिल के जस्ट पीछे यानी कि रेटिना पर जो एरिया है वो कौन सा है, यहां पर जो एरिया पाया जाता है ना स्टूडेंट्स, यहां पर जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं फोविया और येलो स्पॉट। और फोविया और जो येलो स्पॉट है इसकी खास बात क्या होती है कि यहां पर जो रोड्स होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं, केवल क्या प्रेजेंट होते हैं, केवल कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा किसका, हमारे इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, शहद ही देखने की जरूरत पड़े। जैसे ही खाना ड्यूडेनम में पहुंचता है तो ड्यूडेनम सीक्रेट करती है एक नॉन
डाइजेस्टिव एंजाइम को जो जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन है उसे किस में बदल देता है, ट्रिप्सिन में बदल देता है, यानी कि अग्नाशय से आने वाला जो पाचक एंजाइम है ट्रिप्सिन वो कैसे फॉर्म में आता है, निष्क्रिय अवस्था में आता है, जो किस फॉर्म में आता है, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में आता है। तो एंटेरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को किस में चेंज कर देता है, ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। तो बस यही सीधा आपसे पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 118 का, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म या औद्योगिक कृष्णता किसका उदाहरण है, तो जब हमें फोर्थ ऑप्शन में नेचुरल सिलेक्शन मिल गया तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप लोग जानते ही थे कि इंग्लैंड के अंदर बिस्टन बैटलेरिया जो मौत पाई जाती थी वो 18th सेंचुरी में जब उसका अध्ययन किया गया तो वाइट कलर वाले ज्यादा थे, ब्लैक वाले कम थे। नेचर किसको सेलेक्ट कर रही थी, वाइट वालों को, क्योंकि पेड़ों के जो ट्रंक हुआ करते थे वो भी लाइकेंस के कारण कैसे हुआ करते थे, सफेद, क्योंकि उस टाइम पर क्या नहीं थी, उस समय पर पॉल्यूशन मौजूद नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई तो पॉल्यूशन के कारण पेड़ों के तने कैसे हो गए, काले हो गए, और पेड़ों के तने जब काले हो गए और लाइकेन वहां पर वृद्धि नहीं कर पाए, आप लोग जानते हो लाइकेन कौन है, पॉल्यूशन इंडिकेटर, तो इसी वजह से अब वाइट वाले तो उस बैकग्राउंड में दिखने लग गए पर काले वाले उसमें छुप गए। तो अब नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, क्योंकि सिलेक्शन से मेरा मतलब है कि पहले काले वाले पकड़ में आ रहे थे तो उनके उनको जो प्राकृतिक शिकारी थे वो डिटेक्ट कर लेते थे और मार देते थे, पर इंडस्ट्री के आने के बाद में अब सफेद वाले काले बैकग्राउंड पे पकड़ में आने लग गए, तो वहां पर अब जो शिकारी थे वो सफेद वालों को आसानी से डिटेक्ट कर रहे थे। इसी को क्या जाना जाता है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसका एग्जांपल है, नेचुरल सिलेक्शन का, पहले हो रहा था वाइट का और फिर बाद में हुआ किसका, डार्क का। और एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर जो है, चाहे वो ब्लैक फॉर्म हो चाहे वो वाइट फॉर्म हो, कोई भी परमानेंटली कोई भी चेंज, मतलब ऐसा नहीं कि एक्सटिंक्ट कोई भी नहीं हुई, हालांकि उसके नंबर्स क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 119 में, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, मेनस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस को फर्स्ट डे ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल से लगाना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कौन सा वाला फेज होगा, ऑब्वियसली मेनस्ट्रुएशन वाला फेज होगा, यानी रजोधर्म वाला होगा। फिर पुट्टिकाओं में परिवर्धन चलेगा, यानी कि प्रोलिफरेशन चलेगा फॉलिकल्स के अंदर, तो सेकंड फेज कौन सा हो जाएगा, प्रोलिफरेटिव फेज। फिर ओवुलेशन हो जाएगा, और ओवुलेशन के बाद में आपको पता है कि जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो किस में बदल जाएगी, वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाएगी और प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन होने लगेगा, तो वो फेज कौन सा होगा, स्त्रावी प्रावस्था, या फिर उसे हम क्या कहेंगे, सीक्रेटरी फेज। तो आंसर कौन सा आ गया, सीक्रेटरी फेज। अब सब में यहां से प्रोलिफरेटिव से स्टार्ट कर दिया, गलत हो गया, सीक्रेटरी से स्टार्ट कर दिया, गलत हो गया, मेनस्ट्रुएशन से स्टार्ट किया पर पहले सीक्रेटरी अवस्था कर दिया इसलिए गलत हो गया। तो इसमें हमारा सही आंसर हो गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 120। आ जाइए इसको ध्यान से समझना, ये डार्विन और वैलेस जो थे, ठीक है, डार्विन और वैलेस ने इवोल्यूशन के क्रम में, इवोल्यूशन के अंदर जो जिन चीजों को जो थ्योरी उन्होंने दी, ठीक है, डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी, वैलेस के निष्कर्षों पे आधारित थी, और मैं बात कर रहा हूँ नियो डार्विनिज्म की, जिसमें हमने सभी थ्योरीज को रखा है, तो उसी के आधार पर अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, ओवर प्रोडक्शन, यानी कि जितने भी जो जीव है उनमें प्रजनन की असीम क्षमता पाई जाती है, अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से जगह मिले, प्राकृतिक संसाधन मिले, तो हर जीव अपने मैक्सिमम स्तर पर जाकर के क्या कर सकता है, प्रजनन कर सकता है। और ये बात माइक्रोब्स में तो बहुत अच्छे तरीके से लागू होगी, उनमें तो एक्सपोनेंशियल वृद्धि देखने को मिलती है। आगे आ जाते हैं, पर फिर भी जनसंख्या का आधा आकार कैसा है, स्थिर है। क्यों स्थित है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन, खाना, ये सब कैसे हैं, सीमित है। और फिर वेरिएशंस पाई जाती हैं, जो वेरिएशन सपोर्ट करेगी, जो उन्हें बेहतर तरीके से उस वातावरण में अनुकूलित बनाएगी, उनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए वेरिएशन से कभी भी कहानी स्टार्ट नहीं होगी, तो ये तो हो जाता है यहां पर सीधा गलत, यहां ओवर प्रोडक्शन हुआ। पर अगर आपको ध्यान होगा तो जनसंख्या का आकार स्थित है, तो सेकंड पे आना चाहिए था ये वाला पोर्शन, पर इसने वेरिएशन दे दिया तो गलत हो गया, फिर ये वेरिएशन से स्टार्ट हो गया तो ये गलत हो गया। तो आप इसको पढ़िए, ओवर प्रोडक्शन यानी अत्यधिक संतोपत्ति कर सकते हैं, आकार स्थिर है, वेरिएशंस हो रही है, और फिर क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं, पर हमने मेन मेन पॉइंट इसलिए ले लिया। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसमें,
First option is the correct answer. How many type of gametes are formed by a double recessive parent? डबल रिसेसिव पेरेंट का मतलब हो गया जिसमें दोनों के दोनों जो कैरेक्टर हैं वो कैसे हैं, रिसेसिव कैरेक्टर हैं. जैसे कि आप कोई भी ले लीजिए, स्मॉल टी और स्मॉल आर, ये डबल रिसेसिव पेरेंट हो गया. तो कितने गैमेट बनाएगा? हमें पता है गैमेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, और यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस है. तो यहां पर हेटेरोजाइगस तो कोई है ही नहीं, तो 2 की पावर क्या हो गई, 0. तो यहां पर अगर हम लोग इस हिसाब से सॉल्व करें तो कितना आंसर आ जाता है, 1 इज द करेक्ट आंसर. तो आंसर क्या हो गया हमारा, 122 में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए आगे चलते हैं. अब देखिए ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, एक लॉ है मेंडल का, ध्यान से समझना. व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर. तो एक जोड़े के लक्षण वियोजन संयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, तो ये कौन सा नियम है? तो देखिए ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का एग्जाम्पल है, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग इसे कह सकते हैं. इसलिए 123 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आगे आ जाओ. अब देखो एक पेशेंट है, एक रोगी है, उसके आमाशय में किसकी वृद्धि हो रही है, यानी स्टोमक में क्या मिल रही है, क्या मिल रही है, एसिडिक ग्रोथ मिल रही है, सॉरी माइक्रोबियल ग्रोथ मिल रही है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह उसमें पैदा हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो अनुपस्थित है. तो कौन से रोध के कारण ऐसा हो रहा है, मतलब कौन सा बैरियर है जो उसको, कौन सा ऐसा अवरोध है जिसकी अनुपस्थिति के कारण यह स्थिति पैदा हुई. तो आप देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आमाशय में, ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर का. किसका एग्जांपल है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कारकीय अवरोध. तो सही आंसर कौन सा हो गया यहां पर, फिजियोलॉजिकल बैरियर. सही आंसर कौन सा हो गया हमारा, सेकंड ऑप्शन. अब देखिए पार्ट ऑफ रेटिना जहां पर कोई भी फोटो रिसेप्टर यानी कि कोई भी प्रकाश ग्राही कोशिका नहीं पाई जाती, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, ऑप्टिक नर्व जहां से अराइज होगी, वहां पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं पाई जाएगी, चाहे रोड हो चाहे कोन हो, और उस पॉइंट पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा. तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग अंध बिंदु, या फिर क्या कहते हैं हम लोग उसे, ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे. तो सही आंसर कौन सा हो गया इसमें, सेकंड ऑप्शन. आगे आ जाओ. ये बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो इसमें भी शायद किसी का गलत नहीं हुआ होगा. ए पर तो आप देखिए पुल्लिका है, फेसिकल्स है ए पर, ठीक है, ए पर फेसिकल्स है. बी पर आप देखोगे तो ये अंदर कौन है, यहां पर कौन है, मसल फाइबर्स है. कौन है, मसल फाइबर्स. और सी पर आप देखोगे तो सी पर ये कवरिंग है, ये कौन है सी पर, यहां पर सार्कोलेमा. और ये आप लोग जानते हैं कि डी पर कौन है, ब्लड कैपी ब्लड. ये इसके हिसाब से अगर हम लोग आंसर लगाएं स्टूडेंट्स, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर ही सही आंसर मिल जाएगा. आगे चलिए. देखिए सेल जंक्शन जो स्टॉप करता है सब्सटेंसेस को लीक करने से किसी टिश्यू के अंदर से, तो ये किसका है, इसका एग्जांपल क्या है. बहुत सही बात है, 127 में अगर हम लोग देखें तो सीधे तौर पर ये एक एनसीईआरटी का ही पॉइंट है. और टाइट जंक्शन जो होता है वो सब्सटेंसेस को लीकेज से क्या करता है, रोकने का काम करता है. अगर टिश्यू में अगर टाइट जंक्शन मौजूद है तो जो भी सब्सटेंस उसमें है तो उसे लीक होने से क्या करता है, बचाता है. तो इसलिए सही आंसर कौन सा हो गया, दृढ़ संधि या फिर टाइट जंक्शन. आप देखिए मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा हूं जो थोड़ा सा एनसीईआरटी में घुमा के, जो लाइनें हैं वो आप जानते हैं,
अब आपका डीसीएम चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। अब गेम किसका है, आपको ये समझना है कि क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है ना वो एनसीईआरटी पर बेस्ड होती है मैक्सिमम क्वेश्चंस की, पर कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया जा सकता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स पर और एनसीईआरटी के ऊपर फोकस रहिए और एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। आप लोगों ने पढ़ लिया है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस को लूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सक्सेसफुल हैं, आप विश्वास कीजिए अपने अंदर, आपने मेहनत की है तो वो कभी भी बेकार नहीं जाने वाली। ठीक है, तो बस थोड़ा सा जब पेपर दें तब और ज्यादा फोकस रहिए। सॉरी। तो देखिए इनमें से पूछ रहा है कि ऑनसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेज, मनुष्य में निम्नलिखित में से किस प्रावस्था के आरंभ के लिए जीएनआरएच तथा गोनेडोट्रोपिन्स के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन्स जो है ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे सेक्सुअल हॉर्मोन्स को ये क्या करवाएंगे, ये FSH और जो LH है इसका क्या करवाएंगे, सिक्रेशन करवाएंगे। तो ऐसा कब होता है, जब रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हो, जब रिप्रोडक्टिव फेज आ रही हो किसी इंसान की, तब इन सब हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो रोल प्ले होता है। इसीलिए अगर हमें इनमें से आंसर को सिलेक्ट करना हो तो सीधे तौर पर हम लोग आंसर लगा सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द सेल इज ऑड विथ रेस्पेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अपने गुणसूत्रों की संख्या के संदर्भ में अन्य से विषम है। तो देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तो 2n है और सेकेंडरी में n है, स्पर्मेटिड में n है, स्पर्मेटोजोआ में n है, तो इनमें से अलग कौन सी है, फर्स्ट ऑप्शन वाली। तो सही आंसर कौन सा हो गया 129 में हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें गेम है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन और सैनिटेशन ड्यूरिंग मेनस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रज के दौरान साफ सफाई को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्वच्छता हेतु सत्य कथन का चयन कीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेक बाथ एंड अनक्लीन, ठीक है, नियमित रूप से नहाना चाहिए तथा स्वयं को अस्वच्छ रखना चाहिए, गलत हो गया, हमें तो सत्य कथन चुनना है। दूसरा, चेंज ऑफ सैनिटरी नैपकिन आफ्टर एवरी 4 to 5 days, 4 से 5 दिन के बाद सैनिटरी नैपकिन को बदलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। पर 4 से 5 दिन नहीं है, 4 to 5 hours होते हैं, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया, हमें तो करेक्ट छाटना है। थ्रो आउट यूज नैपकिन इन द ड्रेन पाइप, ड्रेन पाइप में नैपकिन को नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। और नैपकिन को हैंडल करने के बाद में साबुन से हाथ धोने चाहिए, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो एग्जैक्टली में सही है, बाकी के सारे जो है वो गलत है, इसलिए आंसर भी कौन सा हो गया, फोर्थ। ह्यूमन ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, तो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, सिंगल एलील नहीं है, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। तो मनुष्य का रुधिर वर्ग किसका उदाहरण है, सह प्रभाविता का उदाहरण है, जिसमें जो F1 संतति है वो दोनों पेरेंट्स के जैसी रिजेंबल होती है। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसमें, को डोमिनेंस यानी कि सेकेंड ऑप्शन। आगे आ जाओ। हाउ मेनी ऑफ द, अब देखिए किसमें से आपको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो देखिए सिकल सेल एनीमिया में होगी, सिकल सेल एनीमिया में बिल्कुल होगी, एनीमिया वर्ड आ रहा है, थैलेसीमिया में भी होगी, ठीक है, पर कलर ब्लाइंडनेस में नहीं होगी और कॉमन कोल्ड में नहीं होगी। ठीक है, कॉमन कोल्ड में होती तो मुझे भी अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता, मुझे भी जुकाम लगी हुई है, तो इन दोनों में नहीं होगी, तो हमें बस यही नंबर पूछे हैं। तो देखिए कौन सा है, दो आंसर आ गया, दो में हमें जरूरत होती है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 132 के अंदर। आगे आ जाओ। ये वाला आप लोग देखें, ये इनका कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर है, और यहां से ये इसमें अलग अलग जो है, जो एक सिंगल पॉइंट से अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में या अलग अलग भौगोलिक वातावरण के अंदर ये जो है इनकी नए नए फॉर्म्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हुए, नए नए फॉर्म्स विकसित हुए। तो ये क्या होता है, जब किसी भी एक कॉमन पूर्वज से, एक साझा पूर्वज से, एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस के लिए एक अलग अलग जो नई नई प्रजातियां बनती हैं, तो इस तरह को हम, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुकूली विकरण, या फिर इंग्लिश में कहते हैं एडप्टिव रेडिएशन। तो मार्सुपियल रेडिएशन का एग्जाम्पल है ये, और अगर हमें इनमें से देखना हो तो एडप्टिव रेडिएशन को अगर हम इन ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ये किस तरीके का विकास है, ये एक तरीके का कैसा विकास है, ये एक
डायवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? डायवर्जेंट इवोल्यूशन का, जहां पर सिंगल पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो जाती हैं, अराइज हो जाती है। ये कौन होता है? कॉमन एंसेस्टर। और अगर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एक सिंगल पॉइंट पर आ जाए तो इस तरह को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। ये तो बिल्कुल फिजिक्स की बात है, जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु से निकलती हूं फैलती हूं तो इसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट। एक पर आकर के एकत्रित हो जाती हूं तो उसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसमें बच्चों? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये आपका वहां से आया हुआ क्वेश्चन है जो इवोल्यूशन के चार्ट्स दे रखे हैं, तो अगर मैं इनको जमाना हो तो देखिए ट्रैकियोफाइट्स ट्रैकियोफाइट्स जो है इनसे इवॉल्व होंगे कौन से वाले? राइनिया टाइप के, और फिर इनसे होंगे प्रो जिम्नो, और फिर यहां से आ जाएंगे सीड फंस। मेरा ये क्वेश्चन देने का रीजन ये है कि आपको इन दो ग्राफ को हल्के में नहीं लेना, इनको छोड़ के नहीं जाना। प्लांट्स वाले में क्या कीजिए, पहले ये वाली जो सीक्वेंस है उसे याद कीजिए, उसके बाद फिर वहां से जो अलग अलग जो फॉर्म्स निकल रही है उन्हें याद कीजिए, अलग अलग करके याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस हिसाब से, तो इसके हिसाब से देखिए पहले ट्रैकियोफाइट आना चाहिए यानी कि सी आना चाहिए, तो ए वाले ऑप्शन तो हो गए गलत। सी के बाद में फिर ए आना चाहिए, तो सी के बाद में ए है, और रही ना पे फिर डी आना चाहिए, तो ये देखिए ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास में? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन 134। प्लाज्मोडियम की हमारे अंदर कौन सी इंफेक्शियस स्टेट जो है वो मानव शरीर में या ह्यूमन में आती है? तो जब स्पोरोजॉइट ऑप्शन में आ गया तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सेक्शन बी का क्वेश्चन है 136 में। अब हमें इनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन करने होते हैं, पर अभी हम सॉल्यूशन में तो सारे डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि मैच द फॉलोइंग है, पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा में क्या मिलेगा आपको? कैनाल सिस्टम मिलेगा, तो ए में आ गया पी। एस के हेलमेंथीज में मस्कुलर फेरिंग्स दे रखा है, तो आ गया आर। एनेलिडा के अंदर मेटामर्स मिलेंगे, तो आ गया टी। आर्थोपोडा में आपको संधित उपांग या जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलेंगे, तो आ गया एस। और इकाइनोडर्मेटा में क्या मिलेगा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा यानी क्यू, तो पी आर टी एस क्यू, पी आर टी एस क्यू। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही, यहां पर तो नहीं बैठ रहा, यहां पे भी नहीं बैठ रहा, यहां पे भी नहीं बैठ रहा, तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हो गया इसमें फर्स्ट। अब इसको पढ़ो। अब आपको है ना कंफ्यूजन हो रहा होगा कुछ लोगों की, सर ये फ्रॉग में आपने कहां से डाल दिया, फ्रॉग का तो है ही नहीं, ये नहीं है। आप उसको छोड़ो, फ्रॉग को छोड़ो, आप ह्यूमन के रेस्पेक्ट में रखो। आप किसका हार्ट दे रखा है? आप ह्यूमन का मान लो। क्या बोल रहा है कि हमने फ्रॉग का इसलिए लिखा क्योंकि फ्रॉग पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो फ्रॉग का हार्ट जब बाहर निकाला वो कुछ समय तक धड़कता रहा, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सेम है? फ्रॉग पोइकिलोथर्मल है, हम मैं भी जानता हूँ पोइकिलोथर्मल है, आप लोग भी जानते हो, बिल्कुल सही बात है यार, पोइकिलोथर्मल है। पोइकिलोथर्मल किसे कहते हैं हम लोग? ऐसे एनिमल को कहते हैं जिसका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता रहे, वातावरण के साथ में क्या होता रहे, एडजस्ट होता रहे। बाहर अभी एसी चल रहा है, ठंड का टाइम है तो ठंडा कर लिया, गर्मी है तो गर्म कर लिया, ठीक है ना। मतलब उसको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, जैसे गर्मियों में पसीने निकालने की जरूरत उसको नहीं है, तो इसी तरह से पोइकिलोथर्मल है। पर पोइकिलोथर्मल का दिल से कोई लेना देना नहीं है, दिल एक अलग ही चीज है। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है? तुमने जब पढ़ा था हार्ट तब सही सही बताना, राइट एट्रियम में पढ़ा था ना तीन चीजों के नाम, कोरोनरी वेन्स ब्लड को लाती हैं, साइनस बनाती हैं, सुपीरियर वेना केवल आ रही है, इंफीरियर वेना केवल आ रही है, शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाके इकट्ठा हो रहा है, वहां कोरोनरी वर्ड था या नहीं था? बिल्कुल था। कोरोना वर्ड जो है वो एक्चुअली में हार्ट की ब्लड सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। कोरोनरी आर्टरीज ब्लड देती हैं, कोरोनरी वेन्स कलेक्ट करती हैं, तो ऑब्वियसली कोरोनरी सर्कुलेशन जो है
वो नहीं पाया जाता ऐसे बोल रहा है तो ये तो गलत हो गया, पाया तो जाता है भैया, और हमारे इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये ऑप्शन है भी नहीं। आगे पढ़ो, फ्रॉग का हार्ट मायोजेनिक है, तो बिल्कुल सही बात है, मायोजेनिक, मायो मतलब मसल्स, जेनिक मतलब बनाना, मायोजेनिक उसे कहते हैं जो हर मसल को कॉन्ट्रेक्शन के लिए एक्शन पोटेंशियल चाहिए। अब मसल अगर खुद बना सके तो उसे हम कहेंगे मायोजेनिक। ध्यान से समझना, कार्डिक मसल्स जो है या हृदय पेशियां जो है उनके अंदर विशेष प्रकार का पेशीय ऊतक, ध्यान रखना न्यूरॉन्स मत कर देना, यानी कि मस्कुलर टिश्यू ही पाया जाता है, पर उसने प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है क्या बनाने की, एक्शन पोटेंशियल्स बनाने की, और एक्शन पोटेंशियल बनाने की प्रॉपर्टी अगर उसमें डेवलप हो गई तो वो क्या बनाएगा, कॉन्ट्रेक्शन करवा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉग का पहला सही हो गया, हमारा सी ऑप्शन सही है। ऑटो एक्साइटेबल, स्व उत्तेजनशील, मैंने आपको थप्पड़ मारा, चलो नहीं मारा, किसी ने मारा आपको थप्पड़, दर्द हुआ, क्यों, क्योंकि नर्वस टिश्यू, तंत्रिकीय ऊतक, ये हमारा उत्तेजनशील ऊतक है, एक्साइटेबल सेल है, इसको स्टिमुलस मिलेगा तो ये उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करेगा। पर मान लो अगर स्टिमुलस ही नहीं मिले फिर भी ये काम करता रहे बिना स्टिमुलस के, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है ऑटो एक्साइटेबिलिटी। ये दोनों फीचर्स हमारे हार्ट के ऊपर भी लागू होते हैं, समझ रहे हो, तो ऑटो एक्साइटेबल भी है और मायोजेनिक भी है। जिसने ये क्वेश्चन किया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फ्रॉग को पढ़ के नाम देख के डर गए हो तो बात अलग है, तो सही आंसर हो गया इसमें सी और डी। और देखो सी और डी कहाँ दे रखा है हमें, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो 137 में सही आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। कितना आसान सा क्वेश्चन है, टेंडन के बारे में पूछा है, टेंडन कौन है, किसका एग्जाम्पल है टेंडन, देखो व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, टेंडन्स। इरेगुलर है तो उसे बुलाते हैं हम शीट। टेंडन क्या काम करते हैं, बोन और मसल्स के बीच, याद आया, यानी कि मसल्स को किससे जोड़ते हैं, बोन से जोड़ने का काम करते हैं। सबसे मजबूत टेंडन कौन सा है, टेंडो कैलकेनियस टेंडन, याद आया कुछ आप लोगों को, जो क्या काम करता है, हमारे शैंक रीजन में जो गैस्ट्रोसिनिमस मसल्स है उसे हमारे एंकल की कैलकेनियस जो टार्सल है उससे जोड़ने का काम करता है। ये तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, तो बस रेगुलर अरेंजमेंट वाला हमें छांटना है, ये आपका इरेगुलर हो गया तो गलत हो गया, ये एडिपोसाइट है, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डाइजेस्टिव सिस्टम के रेस्पेक्ट में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है, ध्यान से पढ़ना, देखो देखो क्या क्या घुमाया है मैंने इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोड्यूसेस वॉमिटिंग, बिल्कुल सही बात है भैया, एनसीईआरटी की लाइन है, सही बात हो गई। डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन और कैलोरी, आहार में प्रोटीन एवं कैलोरी की अपर्याप्त मात्रा, अनेक विकसित, नहीं भैया विकसित नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बुरा मान जाएगा, अमेरिका में थोड़ी है, और कहां एनसीईआरटी में भी कहां लिखा हुआ है, डेवलप्ड कंट्री नहीं लिखा हुआ, डेवलपिंग कंट्री लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। ठीक है, तो थर्ड पे आ जाओ, क्वाशियोर्कर और मेरास्मस में सिमिलर सिम्टम है, जैसे हाथ पैरों का पतला होना, बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ का रुक जाना, ब्रेन डेवलपमेंट का रुक जाना, तो ये बात एकदम सही हो गई, तो ये ट्रू है। इनडाइजेशन से फूड पॉइजनिंग कारण होता है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, खाली थर्ड ऑप्शन जो है वो ही हमारा क्या है, गलत है, और स्टेटमेंट कौन सा गलत है, सेकंड वाला। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें, 139 में हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो बी क्या है, ये मायोसिन आना चाहिए उसमें, ये मायोसिन आना चाहिए, तो बी कौन सा बैंड हो गया, मायोसिन वाला कौन सा होता है, ए बैंड। एक्टिन आ रहा हो, ये देखो ये एक्टिन, ये एक्टिन, एक्टिन वाला कौन सा बैंड होता है, आई बैंड, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, ये आप जानते हो, ए और ई कौन है, जेड लाइन, ये भी कौन है, जेड लाइन, और ये कौन सी क्षेत्र है, ये तो हमारा हैंसन क्षेत्र है ना, एच जोन है, ये कौन सा जोन है हमारा, ये हमारा एच जोन है, तो बस हमें इसी के आधार पर आंसर देखना है। तो ए बैंड कौन सा है, डी बता रहा है भैया, गलत हो गया, डी तो नहीं है, डी भी नहीं है, सी बता दिया, गलत हो गया। ए वाला कौन सा है हमारा, बी बैंड है, आई वाला सी है, और जेड लाइन कौन है, ए है, तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सार्कोमियर बोलते हैं हम लोग एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को।
ये किसको शो कर रहा है? इससे आसान कोई क्वेश्चन है क्या पेडिग्री के ऊपर? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मेटिंग हो रही है, ठीक है। अब क्या पैदा होंगे? बच्चे पैदा होंगे जिनमें क्या देखी जाएगी? डिजीजेस देखी जाएंगी। अगर इसको शेडेड बना देता तो वो अफेक्टेड हो जाती। ध्यान है ना कैसे चलता है ये, इसमें किसकी बात कर रहा है, वो कैसे होगा सिस्टम, वो सो रहा पेडिग्री एनालिसिस वाला आपको। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्वेश्चन आ सकता है बहुत अच्छे से, तो आपको थोड़ा सा इसे प्रिपेयर करना पड़ेगा टॉपिक को। डाउट काउंटर पे आइए, पूछिए, डाउट काउंटर चलता है। नाइट कैंप में भी आपका सीएलसी डाउट काउंटर चलाती है, तो आप टीचर्स के पास में आइए, आप पेडिग्री को समझिए, क्योंकि बिना पेडिग्री के समझे आपको क्वेश्चन ये सीधे तौर पर आपका सही नहीं हो पाएगा। तो ये वाला इसमें फीमेल है और ये मेल है, और इनके बीच में क्या हो रही है? प्रजनन यानी कि मेटिंग हो रही है। तो सही आंसर हो गया इसमें 141 में हमारा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो एक डायग्राम को रेफर करना है हमें, एनसर्कल पार्ट जो है ना फिगर का, ये सर्कल जो बना रखा है एनसर्कल पार्ट जो है, ये ओजेनेसिस की प्रोसेस को शो कर रहा है, ओजेनेसिस की प्रोसेस को, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि फॉलिकल कौन सा है, आइडेंटिफाई करना है इट एज वेल, यानी कि प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसेस है ओजेनेसिस का, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि फॉलिकल कौन सी है। तो ये आप जानते हो ये कौन सी फॉलिकल है, ये है आपकी ग्रेफियन फॉलिकल। कौन सी फॉलिकल है ये? ये है ग्रेफियन फॉलिकल। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ग्रेफियन फॉलिकल में, वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो रहा है। आप देखिए ओवम बाहर आ रहा है, तो स्पर्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो जो व्यक्ति इसमें फर्स्ट ऑप्शन लगा के आया है उसे मेरा नमन है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन कोई लगा के तो नहीं आया ना आप लोगों में से? फर्स्ट मजाक कर रहे हो क्या? मेनस्ट्रेशन, तो मेनस्ट्रेशन की तो बात ही नहीं है यहां पर अभी कुछ भी। ओव्यूलेशन और ग्रेफियन, ये ए है थोड़ा बच्चों, है ना, ग्रेफियन फॉलिकल जो है, और ओव्यूलेशन और सेकेंडरी बोल दिया, तो सेकेंडरी तो है ही नहीं। तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, किसमें? 142 में। अब देखिए ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ल्यूटियल फेज के दौरान क्या होता है कि ग्रेफियन फॉलिकल किसमें बदल जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेफियन फॉलिकल में थोड़ी बदलेगा, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बदलना, सेकेंडरी का ग्रेफियन में बदलना, ये तो सब कब आ गया? ये तो अंडोत्सर्जन से पहले ही वाला प्रोसेस हो गया ना ये तो, यानी कि ये तो प्री ओविलेटरी फेज हो गया, ये तो प्रोलिफेरेटिव फेज के बारे में बात कर रहा है वो, मैं तो ल्यूटियल फेज की बात कर रहा हूं। ल्यूटियल फेज इसमें क्या बनता हो? कॉर्पस ल्यूटियम बनता हो। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 143। सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्रेफियन फॉलिकल चेंज हुई है ना किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। अब देखो ये कैंसर वाला आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको डायग्नोस्टिक टेक्निक में पढ़ा है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कि जिसे हम सीटी स्कैन कहते हैं, ये किसका यूज करती है डायग्नोसिस के लिए? आंतरिक अंगों की जो त्रिआयामी चित्र है यानी 3D इमेजेस जो है वो बनाने के लिए, तो ये अलग अलग एंगल्स में से एक्सरे किरणों को डालती है और कंप्यूटर उसके हिसाब से एक मॉडल तैयार कर लेता है इंटरनल ऑर्गन्स का। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन में ए जो है वो किसका यूज होता है? तो देखिए किसका यूज होगा? एक्स रे का यूज होगा। इसी वजह से हमारा सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चले 145 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। ये एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने शो कर, आप पढ़ो इसको, ऐसे मत सोचो एनसीईआरटी से बाहर का आ गया, ये तो दे ही नहीं रखी फोटो, पढ़ो। लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट है जिसने किसकी थ्योरी को डिस्प्रूव किया? स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिस्प्रूव किया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लास्क वुड एग्जिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब? श्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट या श्वान ग्रीवा फ्लास्क प्रयोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस प्रयोग में आपको बताना है कि किसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स किसमें होगा, तो किसमें होगा? तो देखो ये डायग्राम है, हमने इसे बॉइल किया और अभी इसकी नेक को तोड़ा नहीं है, तो यहां बाहर से अंदर नहीं आ पाएंगे, तो इसमें तो माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी। पर अगर हम इसमें देखें तो हमने यहां पर इसको तोड़ दिया, तो बाहर से आ जाएंगे, और बाहर से आ जाएंगे तो यहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या होगी?
यहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी, तो किस में होगी? पहले बोल रहा है ए और बी, दोनों में होगी? नहीं, दोनों में नहीं होगी। ए में होगी? नहीं होगी। बी में? बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन हो गया। ये कह रहा है किसी में नहीं होगी, नहीं बिल्कुल होगी, बी वाले में होगी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें? हमारा थर्ड ऑप्शन। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है? एक हार्डी वेनबर्ग जो है ना, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन है, पी स्क्वायर टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ए ए जो है एनिमल वो 36% है। ए ए वाले कितने हैं? 36% है। कितने में से हो गए? 36% का मतलब क्या हो गया? 100 में से कितने हैं? 36 है। तो मैं ए ए को, ए ए का मतलब हो गया कौन? रिसेसिव। तो रिसेसिव की अगर मैं क्या निकालूं? रिसेसिव एलील हो गया ये। और इसकी मैं क्या निकालूं? एलील फ्रीक्वेंसी अगर पता करूं तो इसकी एलील फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 36 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि कितना आ गया? 0.36। और 0.36 हमारी क्या आ गई? ए ए की। ए ए का मतलब हो गया यहां पर क्या? क्यू स्क्वायर। तो हमारे पास में q स्क्वायर कितना आ गया? 0.36। मैंने तो 10th क्लास में ये पढ़ा था कि स्क्वायर हटाने के लिए इधर अंडर रूट कर देते हैं, शायद आपने भी पढ़ा होगा। तो देखो यहां मैंने अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट कर दिया, तो q कितना आ गया मेरे पास में? 0.6। किसका पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? 2pq पूछ रहा है। तो 2pq ये 0.6 आ गया, तो P निकालेंगे। हमें पता है P प्लस Q कितना होता है? 1। P हमें पता नहीं है तो Q दे रखा है 0.6 प्लस P इक्वल टू 1। तो P निकालने के लिए मैं 1 में से माइनस कर देता हूं, तो P कितना आ गया? 1 माइनस 0.6, तो P कितना आ गया हमारे पास में? 0.4। तो हमारे पास में P आ गया 0.4 और Q आ गया हमारे पास में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 0.48 आएगा, और जिसे परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48% आ जाएगा। तो इसलिए हमारा सही आंसर यहां पर कौन सा हो जाता है? थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा बच्चों क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। टर्नर सिंड्रोम है, तो टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम्स मिलेंगे और एक्स ओ होगा, ध्यान है ना? तो ये भी एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें? फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, बाय विच मेथड ए न्यू ब्रीड हिसारडेल ऑफ शीप फॉर्म्ड बाय बीकानेरी ईव्स और मेरिनो रैम। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, जो क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है ना, अलग अलग ब्रीड जो थी, जो दुल्हन थी वो तो बीकानेर की थी, और जो दूल्हे राजा थे वो कौन कहाँ के थे? बाहर के थे। तो ये जब शादी हुई तो अलग अलग ब्रीड में यहाँ पर जब हमने करवाया तो दोनों के डिजायरेबल कैरेक्टर आ गए, और वो कौन किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है किसके नाम से? हिसार डेल के नाम से। तो कैसे बनाया उसे? किसका इस्तेमाल किया हम लोगों ने? तो किसका इस्तेमाल किया? क्रॉस ब्रीडिंग का। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसमें? फर्स्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग है बच्चों, तो ध्यान से देखना। फाइलेरियसिस, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कॉजिटिव एजेंट्स कवर होते हैं, तो मैंने इसलिए दे दिया, आपका शायद सॉल्व भी किया हुआ होगा। फाइलेरियसिस वुकेरिया बानक्रॉफ्टा है, यानी कि थर्ड। अमीबियोसिस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, यानी कि फोर्थ। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, यानी कि फर्स्ट। रिंगवॉर्म ट्राइकोफाइटॉन, यानी कि सेकेंड। यानी 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 3, 4, 1, 2। अब देखो, विच मेंडेलियन आइडिया डेप्रिसिएटेड ए क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, यानी कि जो F1 पीढ़ी है वो दोनों पेरेंट्स की तरह दिखती है। तो दोनों पेरेंट्स की तरह किसमें दिख रही है? ऑब्वियसली किसमें दिखेगी? वो को डोमिनेंस में दिखेगी। किसमें दिखेगी? 150 में अगर हम लोग सही आंसर देखें तो को डोमिनेंस में वो किसकी तरह, यानी सह प्रभाविता में वो किसकी तरह दिखाई देगी? दोनों में दिखाई देगी। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका मेजर के जूलॉजी का सॉल्यूशन। बहुत कम शब्दों में मैंने आपको चीजों का कॉन्सेप्ट आपको लिंक करने की कोशिश की है, क्योंकि अब पढ़ाने का टाइम नहीं बचा है बच्चों, आपको फिर भी कॉन्सेप्ट और टॉपिक समझने हैं, तो CLC डाउट काउंटर लगाती है, नाइट कैंप चल रहे हैं, आप आओ, बॉस से मिलो
और फैकल्टीज बैठी रहती हैं और वहाँ अपना कोई शॉर्ट टॉपिक है वो कवर कर लो। सॉल्यूशन का मतलब जो था, हमारा मेन फोकस था कि मैं आपको बता सकूं कि क्वेश्चन हमने कहाँ से फ्रेम किया है ताकि एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से आपकी पूरी कवर हो जाए। तो बस उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट विशेस।